एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज्योति कपूर। तो कैसे हो बच्चों? बच्चों, आपकी ही डिमांड पर आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ लॉस और प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चंस। जहाँ हमें प्रॉफिट होता है फिर उसका प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है, और लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट कैसे फाइंड करना है, विद फॉर्मूलाज मैं आज आपको क्लियर करवाने वाली हूँ, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा टॉपिक है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस्ट परसेंट। प्रॉफिट कब होता है? जब हम किसी चीज़ को कम में खरीद कर, इट मीन्स मान लो हमने कोई चीज़ 50 रुपीज़ में खरीदी है और हमने उसको 100 में सेल किया है, तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा तो हमें होगा प्रॉफिट। जब हम प्रॉफिट निकाल लेंगे कि कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो फिर उसका हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला आएगा प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसी तरह जब हमें किसी कोई भी चीज़ खरीदने पर लॉस होता है, जब हम उसको बेचते हैं लॉस होता है, ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं तो हमें उसका लॉस होता है। तो पहले लॉस निकालेंगे रुपीज़ में, कितने रुपीज़ का लॉस हुआ, फिर हम लॉस परसेंट निकालेंगे। तो फॉर्मूला आएगा लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। दोनों ही कंडीशन में जब भी हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है, डिवाइड में हमें कॉस्ट प्राइस ही लिखना है और मल्टीप्लाई में हमें 100 राइट करना है। ये थे दो फॉर्मूलाज जिस बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। सीपी इट मीन्स हमारा कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस होता है खरीदना, कितने में खरीदा हमने 700 रुपीज़ में, और बेचा कितने में हमने 770 रुपीज़ में। अब निकालना है हमें अपना लॉस और प्रॉफिट परसेंट, कि हमें लॉस हुआ या अब हमें निकालना है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, फिर उसको परसेंट में फाइंड करना है। तो बच्चों खुद ही देखो, हमने खरीदा है 700 में और बेचा है 770 में, तो क्या हुआ हमें? प्रॉफिट हुआ। तो कितने का प्रॉफिट हुआ पहले हम उसको रुपीज़ में फाइंड करेंगे। रुपीज़ में कैसे फाइंड करेंगे? जो बड़ा नंबर है जिसे में बेचा है हमने 770 में, वो पहले राइट करेंगे SP माइनस, उसमें से क्या राइट कर देंगे, माइनस कर देंगे CP। SP है बच्चों 770, उसमें से हम CP इट मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें? ₹70 का प्रॉफिट हुआ। ये तो हो गया सिंपल प्रॉफिट निकालना, मुझे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, मेरे पास कितने पैसे बचे। अब हम इसी को प्रॉफिट परसेंट में फाइंड करेंगे। परसेंट का फॉर्मूला आता है बच्चों, जब प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो फॉर्मूला आएगा प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है बच्चों 70 रुपीज़ का, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, खरीदा कितने का है हमने 700 में, और मल्टीप्लाई 100 फॉर्मूला के हिसाब से लगाना है, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100। अब जो नंबर्स कट होते हैं उसे हम काट देंगे, 20 से 20 कैंसिल हो रही है, और 7 के टेबल में 70 आता है बच्चों, 7 × 10 = 70, सीधा सीधा कट गया था, तो हमारा आंसर ओनली क्या आ गया, 10% का हमें क्या हो गया है प्रॉफिट। 700 में खरीद कर 770 में बेचा, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 10% का। नेक्स्ट है बच्चों, इसी तरह कॉस्ट प्राइस है एक रेफ्रिजरेटर का 50,000। कॉस्ट प्राइस इट मींस उसका खरीदना कितना का हुआ है, 50,000 का। फिर उसने उसी को सेल कर दिया, सोल्ड सेलिंग प्राइस बोलेंगे या सेलिंग प्राइस इसे बोलेंगे, कितना हो गया उसको ₹40,000। बेचा किसने, सोल्ड प्राइस क्या है उसका, ₹40,000। अब बताओ उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस। मान लो कोई चीज उसने 50 में खरीदी, सिंपल सा 50 में खरीदी और बेची है 40 में, तो क्या उसे लॉस हुआ। अब लॉस हुआ है तो देखना है कितने रुपीज का लॉस हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, जो बड़ा डिजिट है, बड़े नंबर है, उसमें से स्मॉल नंबर माइनस करेंगे, अपने आप फॉर्मूला बन जाता है। बड़ा नंबर हमारा था कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस SP। कॉस्ट प्राइस था बच्चों हमारा 50,000, उसमें से हम 40,000 हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितने रुपीज़ का हमें लॉस हो गया, 10,000 रुपीज़ का, अगर हम इसमें से ये माइनस करें तो। ये तो हो गया हमें इतने रुपीज़ का लॉस हुआ है। अब इसी लॉस को हमने परसेंट में निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा बच्चों लॉस डिवाइड बाय CP इट मीन्स कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 फॉर्मूला के हिसाब से। अब जो सबसे पहले लॉस हमने रुपीज़ में निकाला है 10,000,
डिवाइड बाय सीपी कितना है हमारा 50,000, खरीदा कितने का था 50,000 और मल्टीप्लाई 100। अब कट करो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो रही है। अब बचा हमारे पास ऊपर 100 है नीचे 5 है, तो बच्चों ऊपर नीचे वाले नंबर कट हो सकते हैं, आमने सामने वाले नंबर कभी कट नहीं करते। अब 5 के टेबल में देखेंगे हमें 100 आता है या नहीं, 5 1 5, 5 2 10 और 0 की 0, कितना आंसर आ गया हमारे पास, कितने परसेंट का उसे लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया। तो बच्चों ये थे प्रॉफिट और लॉस परसेंट वाले क्वेश्चंस। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन लेकर, अगर खरीदा कम में है ज़्यादा में बेचा है तो क्या निकालना है, कम में ज़्यादा में खरीदा है कम में बेचा है तो क्या निकालना है, थोड़ा सा माइंड में यूज़ करके आप इस सम को बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।